वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कॉर्डेलिया क्रूज से आर्यन की गिरफ्तारी हुई और जमानत से पहले ही नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े के बीच जंग शुरू हो गई। आर्यन को जमानत मिल गई, लेकिन आर्यन से शुरू हुआ खेल एनसीबी के गले की फांस बनने लगा। नवाब मलिक ने हर दिन इस केस के हीरो रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया। उनका अपना डिपार्टमेंट अब उनके खिलाफ जांच शुरू कर चुका है। आर्यन के इस केस में हर बीतते दिन के साथ नए किरदार की एंट्री हुई है, जिन्होंने इस केस की दिशा को ही बदल दिया। आज आपको उन किरदारों से मिलाते हैं जिनके अंदर आर्यन ड्रग्स केस की पूरी कहानी सिमटी हुई है। किरण गोसावी। आर्यन के बाद जो शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो नाम है किरण गोसावी। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद किरण गोसावी नाम का एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेता दिखाई दिया। ये तस्वीर रेड के ठीक बाद ली गई थी। गोसावी असल में एक स्वतंत्र गवाह था। एनसीपी नेताओं ने दावा किया कि गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसके खिलाफ 2018 में पुणे में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ था। इसके बाद लगातार गोसावी के खिलाफ दर्ज 4 मामलों का पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो पुणे पुलिस की कस्टडी में है। प्रभाकर सैयल। किरण गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर सैयल भी इस केस की महत्वपूर्ण कड़ी है। उसने ही एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर उगाही के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रभाकर ने कहा था कि उसने किरण गोसावी को शाहरुख खान के स्टाफ से 25 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए सुना और उनके बीच 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी। उसके आरोप के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम की इस केस में एंट्री हुई और इस केस का रुख ही बदल गया। सैम डिसूजा। किरण गोसावी और समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैयल ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा का नाम भी लिया। उसने बताया कि आर्यन खान और सैम डिसूजा की फोन पर बात कराने के बाद किरण गोसावी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से मुलाकात की थी। उस वक्त पूजा ददलानी के साथ सैम डिसूजा भी था। सैम ने ही शाहरुख के स्टाफ से 50 लाख रुपए लिए थे। हालांकि सैम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस खेल का मास्टरमाइंड किरण गोसावी है। उचित कुमार। पूछताछ में आर्यन और अरबाज ने अचित कुमार का नाम लिया था। उचित को ड्रग पेडलर बताया जाता है। एनसीबी के अनुसार उचित रेगुलर अरबाज और आर्यन को ड्रग्स की सप्लाई करता था। अदालत में भी आर्यन की ओर से कहा गया कि वो उचित कुमार के संपर्क में थे। आर्यन के कुछ ड्रग्स चैट भी उचित कुमार के साथ मिली थी। मोहित कंबोज। इस केस का अगला किरदार है बीजेपी के नेता मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारती है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि एनसीबी ने उनके साले को क्रूज से पकड़ा था, लेकिन बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री के कहने पर उसे और 2 लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि कंबोज उस ड्रग्स केस में मास्टरमाइंड है और उनके साले ने ही आर्यन को फंसाने के लिए उसे क्रूज पर बुलाया था। मलिक के मुताबिक मोहित और समीर वानखेड़े में अच्छी दोस्ती है और उनके द्वारा आरोप लगाने के बाद दोनों मिले थे। सुनील पाटिल। इस केस का अगला किरदार है सुनील पाटिल। सैम डिसूजा ने कहा था कि वो पाटिल के कहने पर ही क्रूज रेड में शामिल हुआ था। पाटिल को बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एनसीपी का पदाधिकारी बताते हुए ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि सुनील पाटिल ने खुद को इस केस का पीड़ित बताया है। काशिफ खान। काशिफ खान को नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग पार्टी का आयोजक बताया था। मलिक के मुताबिक काशिफ खान सेक्स रैकेट ड्रग रैकेट चलाने का आरोपी है। वो फैशन टीवी इंडिया के MD भी रहे। मलिक ने कहा है कि काशिफ खान पर देश में कई मामले दर्ज हैं। काशिफ वानखेड़े के करीबी हैं, इसीलिए उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मलिक ने काशिफ की प्रेमिका के बंदूक के साथ कुछ फोटो भी मीडिया को दिए थे। नवाब मलिक का आरोप है कि काशिफ खान कभी तिहाड़ जेल में बंद था। हर दिन आर्यन खान के ड्रग्स केस में नए किरदारों की एंट्री हो रही है और खेल की तय है और गहरा रही है। सच्चाई क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।